स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, आर गवर्नमेंट कॉलेज अलवर से, आपके लिए एमएससी फाइनल बॉटनी के जो फर्स्ट पेपर है अपने थर्ड सेमेस्टर का, प्लांट फिजियोलॉजी, इसका जो पहला टॉपिक है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, वाटर इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द प्लांट फिजियोलॉजी। लाइक वी नो वेरी वेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। उसमें भी हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का जो है संयोजन होता है, और फिर जिसके फलस्वरूप एक जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण होता है। सो वाटर लॉस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में भी होगा, और उसी के साथ साथ एक ट्रांसपरेशन प्रक्रिया जो है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, उसमें भी हम अच्छे से जानते हैं कि मोस्टली 97% जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपरेशन के द्वारा हो जाता है। बट दीज आर द नेसेसरी एविल्स, जिनको अत्यावश्यक एक बुराई है, जिसको हम कह सकते हैं कि वाटर लॉस होने की वजह से ही प्लांट में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस होती हैं, वो उसके लिए आवश्यक है। तो पानी जो है एक महत्वपूर्ण भाग है जीवन का, और ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से पानी ही एक ऐसा विलायक के रूप में हमारे सामने आता है, जिसको कि हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, और इसके अतिरिक्त यह पादपों के लिए और जंतुओं के लिए एक आवश्यक जो है उनके भोजन का, या हम कहें उनके अंतर्ग्रहण का एक पार्ट है, और उनकी जीवन की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में होता है। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के अंतर्गत हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो पोलरिटी, ध्रुवीयता, इसके बारे में देखेंगे कि हम जानते हैं कि जो वाटर है इसका केमिकल फार्मूला हम जानते हैं, H2O होता है, दैट मीन्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो H और ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं हम, तो इनमें जो ऑक्सीजन होता है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। सो इन दोनों के मध्य जो है एक पार्शियल चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल की, तो एक ही मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दो हाइड्रोजन एटम के जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे के समान हो जाते हैं, एंड इट मेक्स द H2O एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो उदासीन प्रकार का होता है ये। एक जो वाटर मॉलिक्यूल है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, H2O एंड H2O, ऊपर वाला H2O और एक H2O, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ एक बंध का निर्माण कर सकते हैं, वह हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन जो है O है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो चार्ज है, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, और हम जानते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का जो है, तो इन दोनों के बीच में एक आयनिक स्ट्रेंथ बन जाती है, और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हो जाती है, और इसकी वजह से जो है एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। सो ये जो पोलैरिटी है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना, इसकी वजह से जो है यह ना सिर्फ न्यूट्रल रहता है मॉलिक्यूल, बल्कि यह एक अणु से दूसरे अणु के साथ एक मजबूत बंध का निर्माण भी करता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने आसपास के चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ बंध बना सकता है, और इस प्रकार इट इज़ मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शन अमॉन्ग द वाटर मॉलिक्यूल।
तो जिसकी वजह से ये जो जल के क्वालिटी और इसके संबंधित जो गुण हैं उनको प्रदर्शित करता है। दूसरा गुण हम देखेंगे फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का, दैट वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि एक मुख्य विलायक के रूप में कार्य करता है और एक बहुत अच्छा विलायक है जिसमें सब लगभग सभी प्रकार की जो विलेय पदार्थ हैं उनको घोला जा सकता है, घोल सकते हैं। तो ये भी एक्सीलेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इट इज़ अगेन एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है इसमें एक्सीलेंट सॉल्वेंट का गुण होता है। और वाटर मॉलिक्यूल जो है जब आयंस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है या पोलर सॉल्यूट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ऐसे स्थिति में जो चार्ज्ड सब्सटेंसेज हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को यह डिक्रीज कर देता है। तो जल का यह गुण है कि इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज सब्सटेंसेज एंड देयर बाय इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इसकी वजह से जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, उनमें विलायक क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब जल और मैक्रोमोलिक्यूल जो भी होंगे, बड़े जो भी अणु होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ भी जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल हुआ अपने प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, तो इनके साथ तो ऑब्वियसली हो नहीं है बॉडी के अंदर। सो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ जब भी वाटर की बॉन्डिंग होती है तो इट ऑल्सो रिड्यूसेज द इंट्रैक्शन बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल्स, दोनों के मध्य जो है एक मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल के मध्य जो इंट्रैक्शन होगा उसको घटा देता है। तो इस वजह से इसका जो चांसेज है वो वाटर में घुलने का वो बढ़ जाता है। इसी वजह से वाटर जो है एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के जो अणु हैं उनको अपने आप में घोल लेता है। तो ये तो दो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हुई वाटर की। अगली देखते हैं, अगला हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, डिस्टिंक्टिव थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिवली हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वाटर की इसमें ज़्यादा होती है रिलेटिवली कंपेयर टू एनी अदर सॉल्वेंट्स। तो सबसे पहले हम देखें हाई स्पेसिफिक हीट क्या है। हाई स्पेसिफिक या स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज़ द कैपेसिटी दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय सेट अमाउंट। किसी भी जो सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ जो है, उसके टेम्परेचर को यदि किसी सेट अमाउंट पर इंक्रीज किया जाए तो आवश्यक रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वह स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज़्यादा इसमें अन्य कंपेयर टू जो अदर सॉल्वेंट्स हैं उनकी तुलनात्मक रूप से वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। तो इसके जो तापक्रम को बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से जो है ये प्लांट के अंदर जो बफर फ्लक्चुएशंस आते हैं टेम्परेचर के, उन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को एक तरीके से बफर बनाने के लिए वाटर का एक मुख्य रूप से उपयोग में आता है। दूसरी बात आती है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि किसी भी जो लिक्विड फेज है किसी भी सब्सटेंस का, उस लिक्विड फेज से उसको गैस फेज में, लिक्विड टू गैस फेज में परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वह एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। तो वाटर को उसके लिक्विड फेज से गैस फेज में परिवर्तित कर सकने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता है वह ऊर्जा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट एज कंपेयर टू द अदर सॉल्वेंट्स।
तो वाटर के अंदर ये जो दो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, इट मेक्स इट वेरी यूनिक। इसके अलावा जो लेटेंट हीट है ऑफ वेपराइजेशन की, ये वेपराइजेशन की प्रक्रिया हम जानते हैं कि ट्रांसपरेशन प्रक्रिया में जो जल लिक्विड फेज में होता है प्लांट बॉडी में, वह अब जब बाहर निकलता है तो वह गैसेस फेज में निकलता है, वेपर के रूप में निकलता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट का अधिक होना पादप की जो शरीर क्रियाविधि है उसके लिए एक मुख्य कारक बनता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है इसकी कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या है उसको पर देखने से पहले हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। देखिए, तीन टर्म हम यहाँ पर देखेंगे, सरफेस टेंशन, कोहेशन एंड अडहेशन। सरफेस टेंशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए गैस लिक्विड इंटरफेस। गैस लिक्विड इंटरफेस का जो सरफेस एरिया है, सतही जो उसका क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाने के लिए जिस भी एनर्जी अमाउंट की आवश्यकता होगी, वह यहाँ पर आपको सरफेस टेंशन के रूप में बताया जाता है। तो सरफेस टेंशन को एक्सप्रेस किया जाता है एनर्जी पर एरिया के रूप में। ठीक है, तो अब दूसरा आता है इसमें कोहेशन। कोहेशन क्या है कि दो जो अणु हैं उनके मध्य जो भी अट्रैक्शन होता है उसको कोहेशन कहते हैं। सो द अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। अब सेम मॉलिक्यूल में हम बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की। तो वाटर जल के दो अणुओं के मध्य पारस्परिक जो अट्रैक्शन होगा, पारस्परिक जो आकर्षण होगा, वह एक्सप्रेस किया जाता है कोहेशन के रूप में। तीसरी बात आती है अडहेशन। अडहेशन भी अट्रैक्शन है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल और किसी अदर मॉलिक्यूल के मध्य जो अट्रैक्शन है वह अडहेशन कहलाता है। कोहेशन में तो दो जो अणु हैं, एक ही जल जल के जो दो अणु हैं उनके मध्य आकर्षण, और जल के अणु तथा अन्य अणु के मध्य आकर्षण अडहेशन कहलाता है। ये जो तीनों चीज़ हैं, सरफेस टेंशन, कोहेशन एंड अडहेशन, ये तीनों मिलकर एक प्रक्रिया को जन्म देते हैं, वह प्रक्रिया है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी को हम एक्सप्रेस कर कैपिलरी ट्यूब के में जो जल है वह ऊपर की ओर बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर की ओर चला जाता है। यानी कैपिलरी ट्यूब को जब पानी में पानी है और इसमें जब कैपिलरी ट्यूब को रखते हैं तो ऐसे स्थिति में उस ट्यूब में ऊपर की ओर पानी आ जाता है। अब ये ट्यूब के अंदर ऊपर की ओर पानी क्यों जाता है, इसके लिए तीनों जो कारक हैं, सरफेस टेंशन, कोहेशन और अडहेशन, ये तीनों जिम्मेदार हैं। कैसे? क्योंकि हाई सरफेस टेंशन की वजह से जो पानी है वह उस नली में ऊपर की ओर चला जाता है, या पृष्ठ तनाव जो है उसकी वजह से, क्योंकि एरिया, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। कोहेशन जो जल के अणु हैं उनके मध्य आपस में आकर्षण, और ये जो जल के अणु हैं और जो नली है, ये कांच की छोटी नली, कैपिलरी ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, इनके मध्य जो आकर्षण है वो अडहेशन के रूप में है। इन तीनों बलों की वजह से, सरफेस टेंशन, कोहेशन और अडहेशन की वजह से, कैपिलरी ट्यूब में कुछ ऊंचाई तक जो है जल अपने आप ऊपर की ओर चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम कैपिलरिटी कहते हैं। तो कैपिलरिटी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा जो है कुछ हद तक कुछ कोशिकाओं में जो है इसमें सरफेस टेंशन, कोहेशन और अडहेशन की सहायता से पानी जो है पादपों में ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये कुछ गुण देखे गए हमने वाटर के। इसमें अगला जो गुण है जल का, वह हम देखेंगे टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ जो जल की है वह अत्यधिक होती हाई होती है। अब टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है? एक्चुअली दिस इज़ अ फोर्स ऑफ मैक्सिमम सरफेस एरिया इन विच द कंटिन्यूस कॉलम कैन बी विदस्टैंड फॉर ए लॉन्गर टाइम। ओके, तो जो जल है उसका एक लगातार स्तंभ
बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग, यदि वो रहता है तो उसको बनाए रखने के लिए जो फोर्स है, जो बल है, उसकी आवश्यकता जो होती है वह टेंसिल स्ट्रेंथ कहलाता है। तो जल की टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है, जिसकी सहायता से वाटर का एक कंटिन्यूस कॉलम लगातार बने रह सकता है। कंटिन्यूस कॉलम का आप समझ रहे होंगे कि जिस प्रकार पाइप में से पानी निकलता है, इस प्रकार जो है लगातार बिना टूटे एक कॉलम बना रहे। तो ट्रांसपरेशन प्रक्रिया और जो मूवमेंट ऑफ वाटर है प्लांट बॉडी में, उसके लिए एक हाई टेंसिल स्ट्रेंथ का होना आवश्यक है। तो जल में यह गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया। तो इसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के जल के गुणों के बारे में चर्चा की। थैंक यू।